मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एफसी में। फिक्र करना वहाँ जरूरी होता है जहाँ पर फैमिली की और खुद हमारी बात आ जाती है, और सिक्योरिटी को लेकर, स्मार्टनेस को लेकर या क्रिएटिविटी को लेकर। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए ढूंढ रहे हैं डिफरेंट गैजेट्स, तो इस वीडियो में आपको इस तरह के कई सारे गैजेट्स मिलने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को जिसमें आपको कमाल के गैजेट्स मिलने वाले हैं। सो गाइस, आज की सफर की शुरुआत होगी नेबुलाइट जैकेट से। कोई खास पार्टी आने वाली है और आप उस पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और उसी को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने के लिए ढूंढ रहे हो एक स्पेशल जैकेट, तो इससे बेहतर पार्टी के लिए शायद ही कोई जैकेट होगा, क्योंकि इस गैजेट को पहनने के बाद सबकी नजरें आप पर ही टिक जाएंगी, सबकी नजरें आप पर ठहरी रह जाएंगी। आपके डांसिंग का मूव इस जैकेट को पहनने के बाद डार्क नाइट में फुल ब्लैक और क्लियर नजर आएगा। इसकी LED लाइट डिफरेंट कलर में कई बार चलती है। ये इस मटेरियल से बनाया गया है कि जिसे कभी भी किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, खुद ही चलती रहेगी। इसे पहनने पर ऐसा ही लगता है जैसे हम कोई फैब्रिक की जैकेट पहने हों। इसमें पॉकेट भी है जिसमें आप अपने स्मार्टफोन और जरूरी चीजों को रख सकते हैं। प्रोफेशनल डांसिंग आप सीख रहे हैं और स्टेज पर दिखाना चाहते हैं अपने डांसिंग सीखने में की गई पूरी मेहनत को, तो इस गैजेट को पहनकर आप बिल्कुल वो सब कुछ कर सकते हैं। डीजे पार्टी में लोग डीजे से ज्यादा आपको देखेंगे रोड पर चलते हुए भी। अगर आपने इसे पहन लिया तो बढ़िया सूट पहनने वालों से ज्यादा लोग आपको देखेंगे, और किसी ड्रेसिंग शो में तो आपका पहला प्राइज जीतना पक्का है। नंबर 9 के गैजेट का नाम है हाइपर VSM। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से दुनिया के कई ब्रांड आज अपने नाम और प्रोडक्ट के साथ हर जगह पहचाने जाते हैं, और इसी की मदद से चीजों को बिक्री में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। एडवर्टाइजमेंट आपने अभी तक स्मार्टफोन, बैनर, फ्लैक्स, टीवी और स्मार्ट कंप्यूटर में देखे होंगे, लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट का एक नया तरीका आ चुका है होलोग्राफिक डिस्प्ले के साथ, जिसके बाद एडवर्टाइजमेंट के लिए ना तो स्क्रीन मॉल्स में लगानी पड़ेगी और ना ही यह एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरह का ज़्यादा जगह घेरेगा। अपने होलोग्राफिक डिस्प्ले में या किसी भी प्रोडक्ट का या टेक्स्ट का बिल्कुल रियल की तरह डिस्प्ले दिखाता है। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद किसी भी चीज़ की बिक्री में 12 से 13% बढ़ोतरी हो सकती है, सिर्फ एक छोटे से पाइप की मदद से या फिर घूमते हुए 3D टेक्स्ट में यह दिखेगा। किसी भी प्रोडक्ट की पूरी पिक्चर TV में दिखाएगा, और इस तरह का कंपार्टमेंट देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ लग सकती है। नंबर 8, ड्रोन शील्ड। ऑप्टिकल लेजर गैजेट की तरह काम करने वाला गन दिखने में काफी धांसु है, और इसका साइज कितना बड़ा है कि यह किसी रॉकेट लॉन्चर से कम नहीं। इसमें से ना तो रॉकेट निकलता है और ना ही बुलेट, इसमें से तो निकलता है लेजर। हर देश की अपनी सीमा होती है जिसमें लैंड पर काफी सिक्योरिटी होती है, जमीन के जरिए उसे बिना इजाजत पार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह की स्पाई कैमरा ड्रोन की मदद से ऐसी सीमाओं को पार कर लिया जाता है और सिक्योरिटी में खलल डाला जाता है। पर अब यह गन किसी भी अनवांटेड ड्रोन को सीमा के पार नहीं आने देगी, अपने फ्रिक्वेंसी बैंड की मदद से उस पर निशाना साधते हुए बिना उसे क्रैश किए हुए जमीन पर ले आएगी। साथ ही यह 2.5 मीटर तक की रेंज तक वर्क करती है, और दूसरी गन से हवा में उड़ने वाले ड्रोन को नष्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह तो उसे नष्ट किए बिना ही आपकी पकड़ में ला देती है। नंबर 7, मेट्रो टाइफून। डोमेस्टिक वेस्ट को कम करने के लिए जहां हमारे इंडिया में स्वच्छता अभियान जोरों पर है, और उसी का गाना बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। कई सारे गानों की वीडियो पर जोड़ तोड़ कर यही गाना डाला जा रहा है, गाड़ी वाला आया चल कचरा निकाल। और अब तो हमें इस बात की समझ भी हो चुकी कि गीला कचरा और सूखा कचरा हमें अलग अलग रखना है, तो अब घर से निकलने से पहले ही अलग अलग वेस्ट को सेपरेट करके एक जगह पर एक डब्बे में या बैग में रख लीजिए, और बाहर आकर उन्हें सड़क पर नहीं फेंकना है। अपनी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक की मदद से इन 4 डब्बों को खोलना है, और जिस भी तरह का आपके पास डोमेस्टिक वेस्ट है उसके हिसाब से इन ट्यूब में उस वेस्ट को डाल देना है। हमारे वहां तक अभी तक सड़कों पर कचरा घूम रहा है, और नालियों की वजह से थोड़े से पानी आने के बावजूद ही सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन इस तरह के डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन की मदद से हम अपनी सड़कों को और भी माहौल को साफ रख सकते हैं। यह कचरा भी इनकी मदद से अपनी सही जगह पहुंचकर रिसाइकल होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अपनी और अपनी फैमिली की फिक्र के साथ एनवायरमेंट की फिक्र करते हुए इस तरह के डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन को लगाने की पहल जरूर करें। नंबर 6, पॉप स्लैट। दिन पर दिन स्मार्टफोन दुबले पतले होते जा रहे हैं, और शायद स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां स्मार्टफोन को और भी ज्यादा दुबला करने वाली है। इन स्मार्टफोन में सुपर अमाउंट HD डिस्प्ले वाली स्क्रीन होती है, और जब फोन जमीन पर गिरता है तो चरमरा जाता है, इसलिए इनको बचाने के लिए लगाया जाता है स्मार्टफोन का केस, जो सिर्फ आपके स्मार्टफोन को कवर करता है, लेकिन यह केस आपके स्मार्टफोन को देता है एक दूसरी स्क्रीन जिसमें आप अपने स्मार्टफोन के कई सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें पढ़ाई करनी है, स्मार्टफोन के दूसरे फीचर को नहीं चलाना है और ना ही देखना है कि कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपनी नोटबुक की तरह इस फोन केस के साथ बिना डिस्टर्बेंस के आप पढ़ सकते हैं। यह अपनी व्हाइट ब्लैक स्क्रीन पर आपको टाइमिंग दिखाता है, अलार्म बताता है, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देता है, और आप इसमें अपने किसी भी पसंदीदा फोटो को लगा सकते हैं अपनी बैक स्क्रीन पर, वॉलपेपर, कई तरह के। इसके साथ आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्ज होगा,
अगर आप नहीं चाहते कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी मूवी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए बची रहे, तो आप इसकी दूसरी स्क्रीन का इस्तेमाल करके उसे बचा सकते हैं। आप इसे हर जगह लेकर घूम भी सकते हैं। नंबर 5, हिटजी की। कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पे तो आप लोहे का ताला लगा नहीं सकते, लेकिन अब तो बस हम अपना पासवर्ड लगाकर अपनी जगह पर छोड़ देते। लेकिन यह गैजेट अगर आपके पास आ जाता है तो फिर आपके पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के ताले की चाबी आपके पास आ जाएगी। जब तक इस चाबी से आपके डिजिटल डिवाइस को ओपन नहीं किया जाएगा, वो किसी भी दूसरे पासवर्ड से ओपन नहीं होगा। इसमें NFT सिस्टम वर्क करता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसके एप्लीकेशन में अपने हिसाब से पासवर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। यह पासवर्ड के साथ साथ आपकी आंखों से खुलता है और कोई आपका पासवर्ड चुरा भी लेता है तो फिर भी आपकी चीजों को देख नहीं पाएगा। अगर आप अपना स्मार्टफोन इससे कनेक्ट करते हैं या फिर कहीं भूल जाते हैं तो ये आपके स्मार्टफोन से कुछ दूरी तक जाने पर ही नोटिफिकेशन पहुंचा देगा। यह आपके लिए पासवर्ड प्रोटेक्टर का काम करेगा। इसे आप जरूरत पड़ने पर ऑटो टाइप भी कर सकते हैं। यह इतना छोटा है कि इसे चाबी के गुच्छे में आसानी से लटका सकते हैं और अपने जरूरी डिजिटल डेटा को बढ़िया तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 4, कंगू जेम्स। लंबी छलांग मारने के लिए कंपटीशन होते हैं, वह भी वर्ल्ड वाइड। यह तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आप अपने बचपन से लंबी छलांग मारने की कोशिश नहीं की है और आप अब भी लंबी छलांग मारने का आनंद लेना चाहते हैं, वह भी बिल्कुल कंगारू की तरह, तो पहन लीजिए अपने पैरों में इस गैजेट को, जो पैरों में उसी तरह से पहना जाता है जिसे हम किसी जूते को पहनते हैं, लेकिन इसके नीचे आपको जम करवाने वाला गैजेट लगाया गया है। उसकी हेल्प से आप लंबी लंबी छलांग मारते हुए पक्की जमीन के साथ साथ पथरीली जमीन पर भी जंपिंग जपाक कर सकते हैं। रनिंग करते हुए ये आपकी रनिंग को दुगना कर देगा, साथ ही आपके पैरों में सरफेस से आने वाले लोड बिल्कुल कम पहुंचेगा, जिससे आपके पैरों में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। फिर भले ही आपकी टांगे कितनी ही छोटी हो, इसे पहनने के बाद आप अपने किसी भी लंबे दोस्त को या कहीं भी बड़ी बड़ी छलांग मार सकते हैं और इससे ज्यादा दूर तक जंप कर सकते हैं, और किसी बाइसिकल वाले को तो बहुत ही आसानी से आप पीछे छोड़ सकते हैं। नंबर 3, मैकटॉप। इलेक्ट्रिकल और डिजिटल चीज़ों के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आती जो ज़रा से भी खींचा जाती तो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती, जिसे कहते हैं वायर। वैसे हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अपने कई सारे पर्सनल डेटा को संभाल कर रखते हैं, जिन्हें हम दूसरी जगह पर नहीं रख सकते। इनके साथ जुड़ा होता है वायर, जिसका कई बार ध्यान नहीं रहता, और हमारे चलते हुए या फिर टेबल पर बैठे हुए इस वायर के खींचे जाने पर जिससे लैपटॉप ज़मीन पर गिर जाता है और पूरी तरह से क्रैश। तो अगर आप अपने लैपटॉप को सही सलामत रखना चाहते हैं तो उसमें अटैच कीजिए अपना यह मैग्नेटिक वायर, जो एक दूसरे से जुड़ता है, और मैग्नेटिक कनेक्शन से अगर आप इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं या फिर जोर से खींचते हैं तो यह बिना लैपटॉप को गिराए एक दूसरे से अलग हो जाएगा, जिससे लैपटॉप ना तो गिरेगा और ना ही वायर खराब होगा। इससे आप फिर से लगाकर अपना काम कर सकते हैं। यानी घर में बच्चे भी हैं और आपके बच्चे घूमते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, तो अपने इलेक्ट्रिकल चीज़ों के लिए बेफिक्र रहना है तो इस तरह का वायर अपने घर में ज़रूर लगाएं। नंबर 2, गेटकीपर। क्या आपको डर लगा रहता है अपने कंप्यूटर में छुपी हुई प्रोजेक्ट्स के चोरी होने का या फिर अपने ऐसे डेटा का जिसे आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं? तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि यह वायरलेस की फॉर योर कंप्यूटर, यानी आपके कंप्यूटर की चाबी है। इसका कोई ताला नहीं, लेकिन इस चाबी के बिना आपके कंप्यूटर को खोल पाना नामुमकिन सा है। ऑफिस में आपके पास कंप्यूटर है जिसमें आपने अपने मेहनत से तैयार किया हुआ है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आप अपने बॉस को बताकर खुश करने के बाद अपनी प्लेसमेंट की सिफारिश करना चाहते हैं और इसे बहुत ही ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं, तो इस की को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर किसी भी तरह के लॉक से जब तक अनलॉक नहीं होगा, जब तक इस गैजेट को आपके कंप्यूटर के पास नहीं ले जाया जाएगा। 30 से 35 फीट तक की दूरी पर यह आपके कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा। इससे आपके सॉफ्टवेयर को आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो यह 3 तरह के लॉक से कंप्यूटर को अनलॉक करेगा। आप ब्लूटूथ की मदद से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने मोबाइल में इसका ऐप इंस्टॉल करके भी अपने कंप्यूटर की सेफ्टी को बरकरार रख सकते हैं। नंबर 1, ब्लडी बाथमेट। दीवार पर हाथ रखते ही अगर आपको खून दिखने लग जाए तो आपकी हालत क्या होगी, और अगर आप ऐसा ही अपने किसी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ करने वाले हैं तो फिर कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि यह मैट घर के सिंपल मैट की तरह नहीं जिसका वाइट कलर हो, यह एक जादुई मैट है जिसके साथ अपने दोस्त को शॉक कर सकते हैं। इस पर जहां भी टच करेंगे वह रेड कलर में निकल आएगा। टच करने वाले को ऐसा लगेगा जैसे उसके हाथ से ब्लड लगा हुआ है या दीवार से ब्लड निकलना चालू हो गया। यह मैट बनी हुई है मेमोराइजिंग फैब्रिक की। इसे आप अगर कोई प्रैंक वीडियो बनाते हैं या फिर किसी को किसी तरह का सिनेमैटिक शूट करते हैं तो ब्लड की बोतल या फिर सॉस की बोतल फालतू वेस्ट करने के बजाय इस मैट को इस्तेमाल कर लीजिए। इसका फैब्रिक रेगुलर शीट की तरह है। आप घर की शीट को भी अट्रैक्टिव मैट शीट बनाना चाहते हैं तो इस मैट से उसे बदल सकते हैं या कुछ ही देर में फिर से अपना व्हाइट कलर गेन कर लेगा। सो गाइस, समय है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो का लाइक कीजिए, इस वीडियो के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।